शर्मा जी का या कम शर्मा, मैम आई एम इन्वेस्टिंग इन एक्सिस ब्लू चिप एंड टाटा म्यूचुअल फंड, आर दे गुड एंड ऑल्सो एज दे आर हाई रिस्क, डज इट मीन देर इज पॉसिबिलिटी आई मे नॉट एंड अप हैविंग मिनिमम 13% इन लॉन्ग टर्म? ओके देखिए, मिनिमम 13% तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको आएगा, और शायद आपको कोई लिख के दे भी नहीं सकता। 13 छोड़िए, कोई आपको रिटर्न की गारंटी भी नहीं दे सकता इक्विटी में। इक्विटी का मतलब ही रिस्क है, और रिस्क का मतलब है कि आपकी कैपिटल भी जा सकती है, इरोड हो सकती है। तो प्लीज वो मान के चलिए, रिस्क इज ऑल फॉर्म ऑफ रिस्क। एंड जहां तक आपने दो नाम लिए, एक्सिस ब्लू चिप बहुत ही अच्छा फंड है, टॉप ऑफ द लाइन स्कीम है, बिल्कुल अच्छा है। और आपने दूसरा शायद फंड हाउस का नाम लिया, स्कीम का नाम नहीं लिया मेरे ख्याल से। नहीं, टाटा म्यूचुअल फंड सिर्फ लिख के छोड़ दिया है। जी, इंडिया में तो टाटास का नाम ही काफी है, तो आई थिंक नहीं टाटा, बट टाटा म्यूचुअल फंड एज अ फंड हाउस, इट्स अ गुड लॉन्ग लास्टिंग फंड हाउस, सो ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम्स। बट आपको स्कीम का नाम और थोड़ी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि हम ज्यादा कमेंट कर सकें।